नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं बिग बुलेटिन की खबरों के साथ। जिस तरह से कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, लोगों में डर देखने को मिल रहा है, तो ये डर मेरठ के शमशान घाट में भी देखने को मिला, जहां कोरोना पॉजिटिव से एक व्यक्ति की मौत के बाद जब उसका शव अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पहुंचा तो वहां मौजूद आचार्यों ने उस व्यक्ति का दाह संस्कार करने से इनकार कर दिया। क्या नाम है आपका? रवि शर्मा। आप शमशान घाट में आचार्य हैं? हाँ जी। अच्छा जी, बताइए कि क्या हुआ था, जैसे कोरोना पॉजिटिव की बॉडी आई थी यहाँ पे, तो उस वक्त क्या हुआ, क्या बात कही आप? उस वक्त क्या, बस यहाँ पे कोई और तो साथ दे ही नहीं रहा हमारा, हम भी दूर खड़े हुए काम करा रहे हैं, वहाँ पे बॉडी मार रखवाई उनका बंदों से ही, फूस फूस लगवाया अपना, जो हम करना चाहते थे वो करा, नहीं तो हमारे ग्लव्स भी नहीं दे रखे, कोई भराटा नहीं, रुमाल बांध रहे हैं अपना, उस तरीके से कराया अपना देखभाल का, यानी कि अपना कर्तव्य आपने जो, हाँ अपना कर्तव्य निभा दिया हमने जी। मतलब जैसे डर कोरोना पॉजिटिव को लेकर पूरा शहर, तो शहर है जैसे सब सबको लोगों को इन्होंने वो दे रखे हैं पहनने की चीज़ें सब चीज़, तो हम पंडितों को भी देना चाहिए जरा सा, गवर्नमेंट को देखभाली करनी चाहिए और यहाँ पे सैनिटाइज कराना चाहिए सबको, कोई गवर्नमेंट वर्नमेंट की तरफ से ऐसा तो कुछ था ही नहीं। अच्छा, जब आए थे, जब आए थे गाड़ी भी उन्हें बॉडी को रख के एकदम चली गई, बस उसके परिवार वाले और हम ही रह गए। अच्छा, बस और कोई भी नहीं था, कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा क्या थी बताओ, तो क्या कहना चाहेंगे? तो बस ये कहना चाहूँगा हमें भी कुछ दे में पहनने के लिए उसके लिए, और जरा सा यहाँ का सैनिटाइज कर दें, मरघट को भी करें जरा सा, बस और क्या।